हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। तो आज हम यहाँ पर इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास सेवेंथ के उर्दू में चैप्टर नंबर टू की, जो है बेगम हज़रत महल के रिगार्डिंग। बेगम हज़रत महल के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो आप सभी को मालूम होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें बेगम हज़रत महल के अलावा भी बहुत सारी सारे लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये लड़ाई हुई थी। सो लखनऊ से जो है वो बेगम हज़रत महल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से पार्टिसिपेट किया था। नाना साहेब, मंगल पांडे और आपके बादशाह बहादुर शाह जफ़र, ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये बेगम हज़रत महल के बारे में चैप्टर है और हमें ये जानना है कि किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में औरतों ने भी मौका बमौका बहादुरी के जौहर और कारनामे दिखाए हैं, और उनमें एक नाम हमारे पास सामने बेगम हज़रत महल का है। तो हमें इस चैप्टर में बेगम हज़रत महल के बारे में ही डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने वालों में सिर्फ मर्द ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ ही बहुत सी बहादुर औरतों ने भी बहादुरी का सबूत दिया था। औरतों ने बहुत ही बहादुरी से अपनी जान की बाजी लगाई और आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इन्हीं बहादुर और जाबाज औरतों में एक नाम अवध पुराना नाम है लखनऊ का, ध्यान रखिएगा, अवध कहते थे पहले लखनऊ को, अवध की ये मलका थी या बेगम भी कह सकते हैं, जिनका नाम था हज़रत महल। आज़ादी वतन के मतवालों में बेगम हज़रत महल का नाम हमेशा इज्जत से लिया जाता रहेगा। क्यों लिया जाता रहेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि इन्होंने भी एक औरत होकर, और उस ज़माने में जब औरतों को घर से निकलने पे भी पाबंदी हुआ करती थी, उस ज़माने में भी एक बेगम होने के बावजूद अंग्रेज़ों से लड़ाई की और हमारे देश की आज़ादी में की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो 1847 में जब बेगम हज़रत महल के शौहर, जिनका नाम क्या था, अवध के जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह, जो बेगम हज़रत महल के कौन थे, शौहर थे, कब की बात हो रही है, 1847 इनका नाम था वाजिद अली शाह, इन्होंने अवध की हुक्मरानी का ज़िम्मा लिया। ठीक है, तो उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेज़ हुकाम उनके कामकाज में ज़बरदस्ती दखल दे रहे हैं। अब समझिए फिर से, 1847 में किसने अवध की हुक्मरानी का ज़िम्मा लिया? बेगम हज़रत महल के शौहर ने, और उनका नाम क्या था, वाजिद अली शाह था। और जब इन्होंने ये हुक्मरानी का ज़िम्मा लिया, तब उनको ये एहसास हुआ कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं काम में, ज़बरदस्ती अपनी दखल अंदाजी कर रहे हैं, लिहाजा अंग्रेज़ों से उनका बिगाड़ हो गया, यानी थोड़ी लड़ाई हो गई, और अंग्रेज़ों ने दाव पेच से उनकी गद्दी छीन ली, यानी किसी तरह से लड़ाई करके कुछ करके उनकी गद्दी छीन ली और अवध पर अपना कैप्चर कर लिया। उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया। उन्हें किसको कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया? बेगम हज़रत महल के शौहर को, जिनका नाम क्या था, वाजिद अली शाह था। और पूरे अवध और फिर धीरे धीरे करके पूरे मुल्क के कई हिस्सों में इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद होने लगीं। जब जाहिर है कि अवध के नवाब को नज़रबंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा, अवध के लोग भी उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, और फिर धीरे धीरे जब पूरे मुल्क में ये बात पहुँची तो फिर पूरे मुल्क में क्या होने लगा, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होने लगी। 1857 जो मैंने आपको बताया था, ये इनकी मुखालिफत की, या हम कह सकते हैं कि आज़ादी की पहली जंग की सूरत में भड़क गई। 1857 की जो क्रांति है, 1857 का जो आपका रिवॉल्ट है, वो उसको हम आज़ादी की पहली जंग भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हमारे जो हमारी चाहत थी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना कोई मोटिव नहीं था, हर किसी का अलग अलग मोटिव होने की वजह से ये 1857 का जो रिवॉल्ट है वो
कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि सबका एक मोटिव नहीं था, सबका अलग अलग मोटिव था। अब यहाँ पर ये वाजिद अली शाह से इनकी गद्दी छिन गई थी, तो इनका मोटिव ये था कि अंग्रेज़ों से मैं लड़ाई कर लूँ तो मुझे मेरी गद्दी वापस मिल जाए, जबकि रानी लक्ष्मीबाई का मोटिव दूसरा था, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे लॉज अंग्रेज़ों ने बना दिए थे इंडिया में, जिसकी वजह से उनको उनके आने वाले टाइम में उनके बेटे को उनकी गद्दी नहीं मिलती। तो रानी लक्ष्मीबाई का मोटिव ये था। तो जितने भी लोग जगह जगह से इंडिया में 1857 के रिवॉल्ट में अपना अपनी हिस्सेदारी ले रहे थे, वो अपने अपने फ़ायदे के लिए ले रहे थे, किसी का भी एक मोटिव नहीं था कि भाई अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। इसीलिए 1857 का जो रिवॉल्ट है वो हमारा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम इसको आज़ादी की पहली जंग की सूरत में देखते हैं। स्टूडेंट्स, अवध के साथ ही झांसी, कानपुर, फैज़ाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली और दूसरे इलाकों में भी ये आग भड़कती और फैलती चली गई। लखनऊ में मौलवी अहमद अली शाह ने आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजा डाला। सभी ने नवाब वाजिद अली शाह के कम उम्र बेटे पर, जिसका नाम क्या था, बिरजीस कदर, को अवध का नवाब और हुक्मरा माना, और इस बात का ऐलान भी कर दिया कि अपने बेटे की जानिब से बेगम हज़रत महल ने हुकूमत का निज़ाम संभालना है। उन्होंने फ़ौज की देखभाल का ज़िम्मा भी ले लिया और सिपाहियों की हौसला अफजाई के लिए वो खुद भी मैदान जंग में मौजूद रहती थी। तो आप देख सकते हैं कि सिपाहियों की हौसला अफजाई के लिए बेगम हज़रत महल खुद मैदान जंग में जाया करती थी और वहाँ पर उनको हौसला देती थी, उनकी हिम्मत को बढ़ाती थी। जगह जगह मोर्चे खुल गए, आज़ादी के मतवालों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेज़ों को घेर लिया। बहुत से अंग्रेज़ों और उनके सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया गया और बहुत से कैद कर लिए गए। कैद का मतलब है कैप्चर कर लिए गए, पकड़ लिए गए, जेल में डाल दिए गए। बेगम हज़रत महल शेर की तरह, किसकी तरह, शेर जैसे सबसे बहादुर जानवर माना जाता ना, बिल्कुल शेर की तरह अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए हर जगह उनके साथ रहती थी और क्या करती थी, वो उनकी उनकी हौसला अफजाई भी करती थी और ख़ुद भी उनके साथ जंगों में शामिल होती थी। वो बहादुर बहौसला खातून होने के साथ क्या थी, बहुत ही इंसाफ पसंद भी थी, यानी जज बहुत अच्छा करती थी, इंसाफ बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, यानी हर किसी को इंसाफ दिलाया करती थी। इसके अलावा वो रहम दिल भी थी, उनका दिल बिल्कुल फूल की तरह नर्म था, जिस तरह से फूल नर्म होता है ना, उसी तरह से उनका दिल भी बहुत ज़्यादा नर्म था। और एक बार जब अंग्रेज़ औरतें और बच्चे भी कैद कर लिए गए और अंग्रेज़ सिपाहियों को बेगम के सिपाहियों ने कत्ल कर दिया, तो बेगम हज़रत महल ने उनकी औरतों और बच्चों को अपने महल में रखा, उनकी हर तरह हिफाजत की और उन्हें इज्जत भी दी। तो इस बातों से हमें पता चलता है कि उनका दिल कितना ज़्यादा नरम था और उन्होंने औरतों के साथ किस तरह से सुलह रहमी की। जिस सूझबूझ, हिम्मत और बहादुरी से बेगम हज़रत महल ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो एक ऐसा कारनामा है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने लखनऊ और आसपास के इलाके पर कब्ज़ा करके अपने सिपाहियों को इलाहाबाद, आज़मगढ़ और जौनपुर पर हमला करने का हुक्म दिया। मार्च 1858 यानी 1858 में घमसान की लड़ाई हुई और बेगम हज़रत महल के सिपाहियों को मुग़लों की मदद की बहुत उम्मीद थी, मगर वो मदद ना मिल सकी। और जब ये मदद नहीं मिली तो बेगम के सिपाहियों का हौसला टूट गया और अंग्रेज़ 21 मार्च तक लखनऊ पर दोबारा काबिज़ हो गए। जब क्या हुआ, बेगम के सिपाहियों का हौसला टूटा 1858 में, क्यों, क्योंकि मुग़लों का सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो इसलिए अंग्रेज़ दोबारा से कब्ज़ा कर लिया लखनऊ पर, जिसको हम अवध भी कहते हैं। तो बेगम ने जान की बाजी लगाकर लड़ाई में हिस्सा लिया, उन्होंने अंग्रेज़ों से बचकर नेपाल का रुख किया, यानी वो अंग्रेज़ों से बचकर नेपाल की तरफ भाग गई, सरेंडर नहीं किया। अंग्रेज़ उनसे सुलह करना चाहते थे मगर बेगम ने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने उसकी जगह एक जिला वतन की ज़िंदगी गुजारना पसंद किया। जिला वतन का मतलब होता है अपने देश से निकाल देना, देश निकाला हो जाना, ठीक है। तो वो नेपाल चली गई ना, नेपाल हमारी कंट्री में थोड़ी ना था, नेपाल ही में उनका इंतकाल भी हो गया, यानी नेपाल में ही वो फौत हो गई। आज भी मुल्क का हर शख्स बेगम हज़रत महल की अजीम कुर्बानियों को अकीदत से याद करता है और करता भी रहेगा। क्यों करता रहेगा, क्योंकि उस ज़माने में, जिस ज़माने में औरतों पर घर से बाहर निकलने पे पाबंदी थी, उन्होंने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हीं की याद में लखनऊ में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है स्टूडेंट्स,
क्योंकि लखनऊ में की ही वो रहने वाली थी, लखनऊ के ही नवाब वाजिद अली शाह की वो बीवी थी, इसलिए उनकी याद में लखनऊ में बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है और उसका नाम बेगम हजरत महल पार्क रखा गया है। ऐसी अजीम खातून बेगम हजरत महल थी। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हमने पूरा आपको बता दिया कि बेगम हजरत ने महल ने क्या क्या किया और उन्होंने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। वो दिल से कैसी औरत थी और बाकिरदार कैसी थी और उनका अखलाक कैसा था, वो बहादुरी में कितने आगे थी, अंग्रेज़ों से उन्होंने कैसे लड़ाई की और फिर उनका इंतकाल कहाँ पर हुआ और उनकी याद में क्या बनवाया गया, ये सब बातों के बारे में हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।